हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आभार। तो आज की कहानी रति अग्निहोत्री के नाम। रति अग्निहोत्री बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा रही और 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में उनका जन्म हुआ। रति अग्निहोत्री ने 10 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू की और अग्निहोत्री की पहली फिल्म भूमिकाएं तमिल भाषा की फिल्म पोथियावार पुगल और निरम मराठा पुक्कल में हुई। 1980 के दशक में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया और 81 की फिल्म एक दूजे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला और ये फिल्म 1979 की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र की हिंदी रीमेक थी और इस दौरान हिंदी फिल्मों में फर्ज, कानून, कुली, तवायफ शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और रति अग्निहोत्री ने बहुत सारी अच्छी फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। और बात करते हैं एक दूजे के लिए, तो इस फिल्म में रति अग्निहोत्री को पता नहीं था कि उन दिनों जो फ़ोटो तैयार होते थे उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते थे जो इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो बीमार कर सकते हैं। फिल्मों में एक सीन ऐसा आया जिसमें रति अग्निहोत्री एक जले हुए फ़ोटो की राख अपने चाय में मिलाकर पी जाती हैं। उस सीन को फिल्माते वक्त रति ने ऐसा सच में किया था और किस्मत अच्छी रही कि तो एक दूजे के सेट पर ऐसी कुछ बातें रहीं। 5 जून 1981 के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था के बालाचंदर ने। रिलीज करने से पहले ये फिल्म राज कपूर को दिखाई और राज कपूर ने ये फिल्म देखी और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की। उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई लेकिन उन्हें इसकी एंडिंग पसंद नहीं थी। उन्होंने के बालाचंदर को सलाह दी कि उन्हें इसकी एंडिंग बदलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड हो जा रही थी, लेकिन बालाचंदर ने इनकार कर दिया। उनका वो फैसला सही साबित हुआ और दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और इसकी एंडिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और फिल्म हिट हुई। और ये फिल्म रति अग्निहोत्री की पहली हिंदी फिल्म थी। इससे पहले रति कई फिल्मों में काम कर चुकी थी लेकिन वो सब दक्षिण भारतीय फिल्म और दूसरी लैंग्वेज की फिल्म थी। और केवल रति ही नहीं, एक्ट्रेस माधवी और एक्टर कमल हासन की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी। और तो और महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने भी पहली ही बार हिंदी फिल्म का गाना गाया। हालांकि शुरुआत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लग रहा था कि शायद एसपी बाला सुब्रमण्यम हिंदी गीत सही से नहीं गा पाएंगे, लेकिन डायरेक्टर के बालाचंदर को इन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि अगर साउथ का एक्टर इस फिल्म में अच्छा काम कर सकता है तो साउथ के सिंगर भी अच्छा गा सकते हैं। तो एस पी बाला सुब्रमण्यम पर के बालाचंदर का भरोसा काम कर गया और इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट हुए और बहुत ज़्यादा चले। और फिर क्या था, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो रति अग्निहोत्री की मूवी एक दूजे के लिए सेट की कुछ अनसुनी बातें मैंने आपसे साझा की। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी बातें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।